हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं उन स्टॉक्स को जिन स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होते नजर आए हैं। पहला स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ, इसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स को 25 सितंबर 2022 को, और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना सेकेंड टारगेट हिट किया है। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है 967.85 का। चलिए अब देखते हैं दूसरा लास्ट स्टॉक कौन सा है। दूसरा स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट होता हुआ नजर आया, उसका नाम है ल्यूपिन लिमिटेड। इस स्टॉक को भी हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स को 28 सितंबर 2022 को, और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टारगेट किया है। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है 726.70 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो थे वे दो स्टॉक जिन दोनों स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट होते हुए नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किस स्विंग ट्रेड स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको कि आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जिस भी स्टॉक पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए होगा। इस स्टॉक में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक है, उसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड। इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं सस्टेन एवअप 415.15। इसके जो टारगेट आ सकते हैं फ्यूचर वे होंगे 429.40, 440.80 एंड 455 के। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा 14.15 रुपीज़ नीचे 401 के लेवल पर, और इस स्टॉक होल्ड टाइम रहेगा 1 to 5 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं मैक्स हेल्थ केयर को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड, मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50-day एक्सपेंशन मूविंग एवरेज और 100-day एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, स्टॉक के आज के दिन के जो वॉल्यूम थे वे इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम के बराबर के थे। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ ट्रेंड लाइन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने चार्ट पर एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन इस स्टॉक के लिए पिछले एक महीने से सपोर्ट का काम कर रही थी। एक महीने में इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन पे 2 बार सपोर्ट बनाया है। सबसे पहले इसने सपोर्ट बनाया था 8 सितंबर को। 8 सितंबर को सपोर्ट बनाने के बाद हमें इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, और सेकंड टाइम इसने सपोर्ट बनाया था 29 सितंबर को। 29 सितंबर को बनाने के बाद हमें लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में अभी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बाइंग लेवल की। अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक कल की ट्रेडिंग सेशन में आज के दिन की क्लोजिंग जिसका कि लेवल है 415.15, तो जैसे ही स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में 415.15 के लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर आधे से घंटे सस्टेन कर जाता है ड्यूरिंग द डे, तब स्टॉक में बाइंग के लिए जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 429.40, 440.80 एंड 455। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जिसका लेवल होगा 401 का, और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड, ये तो था मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही इसमें डिस्कस करे गए लेवल्स आते हैं तब आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्विंग ट्रेड स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।